हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन ऑन माय चैनल जानकारी हित। माय सेल्फ हित अभिलाषी शर्मा, थोड़े नाल मैं जानकारी साझी करांगा। आज का जो साडा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पंजाबी च उत्पादन संभावना वक्र। ते बेसिक कॉन्सेप्ट किस वास्ते है, क्यों इस चीज की जरूरत पई? बिकॉज पी पी सी इज अ सोल्यूशन टू द ऑल इकनोमिक प्रॉब्लम्स इन एन इकॉनमी। एक अर्थव्यवस्था दिया जो आर्थिक समस्यावान ने उन्हों का सोल्यूशन है पी पी सी। पर थोड़ी जानकारी लिए मैं होर गल दसदा कि इकनो प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी मैं इस तो पहला अपनी वीडियो के डिटेल के डिस्कस कर चुके हैं। मेरी को गुजारिश है उस वीडियो में जरूर देखो ताकि अज का कॉन्सैप्ट थोड़ा होर ईजी हो जाएगा समझने के विच। Let's move ahead with me for today's topic, that is PPC. Yes, students, as I've already told you, today's topic is PPC, Production Possibility Curve, Utpadan Sambhavna Vakar ya Curve. Aao ide bare jankari prapat kariye. पीपीसी नूं जानन तो पहला पीपीसी किस चीज़ का सोल्यूशन है, जिमें अज का हैडिंग भी दस रहा सी उहदे बारे आपां गल करदे हैं। वह की सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकॉनमी, एक आर्थिकता की ज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्यावान की ने, क्योंकि इन समस्यावान का इलाज ही पीपीसी है। वह समस्यावान की ने जेकर बारे डिटेल्स जानना है, मैं पहला भी तुहानूं दस्से कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी के उत्ते एक अलग वीडियो है मेरे इसे चैनल के उत्ते। आओ गल करते हैं, एक ब्रीफली आप एक बार रिव्यू की करिए इस कॉन्सैप्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी की ने। उस सब तो पहला है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जिहड़े साढ़े कोल साधन ने, सानू सारयां नू पता है उत्पादन के साधन चार ने, लैंड, लेबर, कैपीटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये चारों के चारों साधन सीमित ने, उन्हां साधनों की वंड इस ढंग नाल कीती जावे ताकि वह डिसाइड करेगी पीपीसी किस तरह कीती जावे। पर साधनों की जो वंड करनी है सानू ये गल ध्यान रखा जावे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हूम टू प्रोड्यूस, की पैदा किया जावे, किन्ना उत्पादन किया जाए, किवें उत्पादन किया जाए, तो किस दे लई उत्पादन किया जाए। डिटेल्ड है उस वीडियो दे विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकॉनमी, तुसी उत्थे देख सकते हो, बार बार मैनू इस बारे दसन की जरूरत नहीं। नाउ नैक्सट, दूसरी प्रॉब्लम जिहड़ी किसी आर्थिकता की ज अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्यावां दे विच हुंदी है, वह है हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। साधन सीमित ने फिर भी या तो अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं या ओवर यूटिलाइज हो जाते हैं, उन्हां दी बेस्ट फुल यूटिलाइजेशन किवें हो सकती है, ये भी एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। हाउ टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, साधना की फुल यूटिलाइजेशन करते हुए, साधना की प्रॉपर एलोकेशन करते हुए प्रमोट ग्रोथ ऑफ रिसोर्स, साधना के विकास नूं किवें उत्साहित किया जाए, जिहड़े साढ़े साधन ने रिसोर्स ने उन्होंने किवें वाधा किया जाए। इस सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी ने किसी भी अर्थव्यवस्था दियां मुख समस्यावान ने, तीन समस्यावान का इलाज कितों मिलता है, आओ वो बारे गल करते हैं। जो कि साडा अज दा टॉपिक है वह है पीपीसी, पीपीसी के बारे गल करते हैं, पीपीसी की चीज़ है, क्योंकि पीपीसी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कविता का नाम दस रहा, उत्पादन संभावना वकर, सोल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकॉनमी है भी यह। जिहड़ियां असीं सेंट्रल प्रॉब्लम्स की गल करते सी उन्हां दा इलाज सानूं पीपीसी तो मिलता है, क्योंकि पीपीसी की चीज़ है असल दे विच। आओ उहदे बारे जो टेक्निकल कॉन्सैप्ट है उन्हूं जानने की कोशिश करते हैं। पीपीसी बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दैट कर्व विच रीप्रजेंट्स द मैक्सीम अमाउंट ऑफ अ पेयर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट कैन बोथ बी प्रोड्यूस्ड विद एन इकॉनमीज गिवन रिसोर्स एंड टैक्नीक्स अज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्स आर फुली इंप्लॉयड। भाई बहुत वड्डी गल होगी, ये तो इन्नी वड्डी गल्लां नहीं, वड्डियां नहीं है, बड़िया सिंपल ने। आओ स्टूडेंट्स,
थोड़ा लाइटली लंदे हुए बट टेक्निकली समझते हो जाने की कोशिश करिए, क्योंकि सिंपल शब्दों पहला समझो उत्पादन के साधन सीमित ने, अर्थव्यवस्था विच लोगों की जरूरत बहुत ज़्यादा ने, उन्हें जरूरतों को पूरा पूरा करने लखों किस्म वस्तुआं पैदा होंदिया ने। आपां कोई दो वस्तुओं का उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लो पए मानते हैं कि कोई दो वस्तुओं की पैदावार ही हो रही है इस देश के विच, एक एग्रीकल्चर सैक्टर संबंधित हो सकती है, एक इंडस्ट्रियल सैक्टर। मान लो या तो अनाज पैदा कर लो या कारां ट्रक पैदा कर लो, हुण किहड़ियां पैदा कीतियां जाण, जे दोनों पैदा करनियां ने किन्नियां किन्नियां पैदा कीतियां जाण ताकि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज हो सके ते इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल सके। एग्रीकल्चर ज़्यादा उन्हों उत्साहित किया जाए या इंडस्ट्री ज़्यादा, या दोनों के बीच एक तालमेल एस्टैबलिश किया जाए। जे इंडस्ट्री की कली की गल करिए उत्थे कारा पैदा कीते जाण, ट्रक पैदा कीते जाण, किन्ने किन्ने पैदा कीते जाण, ये जिहड़े डिफरेंट कंबीनेशन मैं गल कर रहा दो वस्तुआं क्यों लिखिया ने, क्योंकि जो असं ग्राफिकल प्रजेंटेशन करांगे कर्व बनावांगे, दसवीं तो सारा पता है कि ग्राफ के दो ही एक्सिस होंगे ने, एक तो असं एक्स दी वैल्यू शो करते हैं एक तो वाई दी। सिमिलरली असं इतने ये मान के चल रहे हैं कि मान लो दो ही वस्तुआं पैदा होंदिया ने, पर इहदा मतलब यह नहीं कि दो होंदिया ने। एक पीपीसी इज अ कर्व और ग्राफिकल प्रजेंटेशन ऑफ पॉसीबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन दीयां वक् वक् संभावनावां ने जिहड़ियां कोई दो वस्तुओं नूं पैदा करन दे लई, उहनां नूं जदों असीं कर्व दे रूप दे विच शो करदे हां उत्पादन दी उहनां संभावनावां नूं किहड़ी वस्तु दा किन्ना उत्पादन करना है तां कि सारे रिसोर्सिज दा ते सारी टैक्नीक दा फुल यूटिलाइजेशन होवे ते एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन होवे, कुशलता दे नाल पूर्ण असी उन्हां दी वरतों कर रहे हैं उत्पादन के साधना की, तो किहड़ियां दो वस्तुआं दे विचों किहड़ी वस्तु का किन्ना उत्पादन करना है। मान लो असी दो वस्तुआं मान लिया पी ते क्यू, इंडस्ट्री ते एग्रीकल्चर, वट एवर इट मे बी ए एंड बी, कोई भी नाम हो सकता है, वही तुहाडी अपनी पसंद दीआं भी हो सकदियां ने, कार ते ट्रक, कार ते मोटरसाइकिल, की पैदा किया जाए, वह वक् वक् संभावनावां जो असी कर्व के रूप में पेश करते हैं ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ, ਲੇਬਰ, ਕੈਪੀਟਲ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਓਨਲੀ 2 ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਇਜ਼ ਪੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ 1 ਇਜ਼ ਦਾ ਕਿਊ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੋਚੀਏ, ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਊ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਪੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਰਵ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਵ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਨੀ ਦੇਖੋ। ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਿਊ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਕਿਊ ਦੀਆਂ 15 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਹੀ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੈਦਾ 'ਚ ਲਗਾ ਤੇ, ਤਾਂ 15 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 0। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ 15 ਤੋਂ 14। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਇੱਧਰ 2 ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, 14 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਊ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ, 10 ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
तो इधर प्रोडक्शन घट के किनी रहेगी, नो इंडस्ट्री ज़्यादा फायदा दी लगी, मान लो अर्थव्यवस्था ने डिसाइड किया इधर प्रोडक्शन होर ज़्यादा पैदा की जाए, खास करके जापान वर्गे कंट्री जिथे एग्रीकल्चर की जमीन ही घट है, मान लो उन्होंने फैसला कर लिया प्रोडक्शन इंडस्ट्री के उस इंडस्ट्रियल जी यूनिट से उन्होंने पी वस्तु का उत्पादन होर वधाने की कोशिश की, तो बहुत सारे फैक्टर प्रोडक्शन वो क्यू तो शिफ्ट जोड़े क्यू वस्तु में पैदा कर रहे थे वो शिफ्ट हो गए इस साइड पर आए, तो इधर प्रोडक्शन होर घट गई नौ तो घट के पांच। तो जेकर पंजवीं छेवीं पॉसीबिलिटी देखिए एफ ए ई पॉसीबिलिटी सी, एफ एक होर पॉसीबिलिटी जेकर असी की डिसाइड किया कि इंडस्ट्रियल सैक्टर पूरी तरह डिवेलप कर लिया जाए, क्योंकि मान लो कंट्री के उस हिस्से उस इकोनमी एग्रीकल्चर किसी भी तरह बेनीफिशियल नहीं लग रही थी, इंडस्ट्रियल सैक्टर के असी सारे फैक्टर प्रोडक्शन अपने लगाते इधर प्रोडक्शन बढ़ के पांच हो गई, तो सोचो स्टूडेंट्स इतने प्रोडक्शन कितनी रहेगी जीरो। ये डिफरेंट पॉसीबिलिटीज़ ने, ज़्यादा इनू असी कंट्री कंट्री वाइज जोग्राफिकल वाइज सोचने की जरूरत नहीं है, सोचो दो वस्तुओं ने पीते क्यों गए, क्लीयर थोड़े को दो, एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटी सी शॉप है दो उत्थे वर्कर ने, या तो बर्गर बना लो या कुलचे बना लो, जेकर दोनों बनाने ने साढ़े को साधन सीमित ने तो एक पॉसीबिलिटी है थोड़े जे हो थोड़े जे हो, या एक दी प्रोडक्शन बिल्कुल बंद कर दो सिर्फ एक बनाते रहो। इस तरह किसी भी इकोनमी के मान लो पी ते क्यू ने तो अड अड संभावनावां की ने, जेकर इहदियां तीन दो यूनिट का पैदावार हो रही है उधर बारह, जे इधर तीन हो रही है उधर नौ रहेगी, जे इधर चार हो रही है तो इधर पांच रहेगी, जे इधर पांच हो रही है तो इधर प्रोडक्शन की रहेगी जीरो। दीज आर द डिफरेंट पॉसीबिलिटी, क्योंकि इहदा नाम पी पी सी है, ये तो एक टेबल से, आओ इनू कर्व के रूप देखिए, असी एग्जाम्पल नू टेबल च असी समझ चुके हैं, हुण इहनू आपां इक कर्व बनाईए। ये साढ़े कोल एक ग्राफिकल फिगर है, इहदे विच असी एक्स एक्स वाई एक्सिस दे उत्ते प्रोडक्शन ऑफ क्यू दिखाई है, एक्स एक्सिस दे उत्ते प्रोडक्शन ऑफ पी। सब तो पहला जदों असी पहली पॉसीबिलिटी ए की गल करते हैं उत्थे ए दे विच पी की प्रोडक्शन जीरो है, क्यू की प्रोडक्शन पंद्रह, तो ध्यान नाल सोचो क्यू इधर है इधर पंद्रह इत्थे है इस जगह पर, तो इधर जीरो, तो जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है काटवां बिंदु ए बन गया, यह साडी पहली पॉसीबिलिटी बन गई ए। फिर दूसरी पॉसीबिलिटी के बारे भी फैसला ले सकती अर्थव्यवस्था, मान लो इधर एक वस्तु का उत्पादन किया तो इधर घट के किना रह गया चौदह, जो पी की एक वस्तु का उत्पादन होया तो क्यू दियाँ चौदह का उत्पादन रह गया घट के, उस तो प्रोडक्शन घटी, तो जिहड़ा काटवां बिंदु है ग्राफिकली जेकर देखा जाए वह की बन गया बी, एक संभावना यह बन गई। नैक्सट पॉसीबिलिटी मान लो सी, असी पी की प्रोडक्शन दो करती तो यदि प्रोडक्शन घट के किनी रहेगी बारह, जो यदि प्रोडक्शन असी दो की पी की तो यदि प्रोडक्शन घट के किनी रहेगी बारह, जो कॉमन पॉइंट है वह सी बन गया, ये तीसरी पॉसीबिलिटी सी। तो पॉसीबिलिटी यह भी सी कि अर्थव्यवस्था के डी पॉसीबिलिटी देखा गया कि पी दिया तीन वस्तुओं का उत्पादन किया तो वो नौ, तो जी डी पॉसीबिलिटी ए बन गई। इस तरह ई पॉसीबिलिटी की सी, जेकर पी दिया चार वस्तुओं का उत्पादन करना है ए वालिया, तो उधर साढ़े को उत्पादन घट के क्यू का किन्ना रह जाएगा पांच का, तो कॉमन पॉइंट साढ़े को ई आ गया। तो एक पॉसीबिलिटी यह भी सी कि क्यू का उत्पादन एफ जी पॉसीबिलिटी सी जीरो किया, पी का उत्पादन कितना हो गया पांच, भाव सारे दे साधन पी के उत्पादन च लगाते एक पॉसीबिलिटी जी एफ ए बन गई। इस सारिया संभावनावां नूं जेकर असी मिलाता इवें आपस मिलाया तो ध्यान नाल देखो एक कर्व बन गई। इस टाइप के कर्व आ रही है साढ़े सामने जिन्हों असी पी पी सी कह रहे हैं, जी आह वाली बन रही है ब्राउन शेड के, दैट इज़ पी पी सी। वक् वक् संभावनावां नूं उत्पादन के दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, की संभावनावां ने कि वस्तु की किन्नी पैदावार की जाए ताकि सारे साधन का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, इस कर्व नूं असी पी पी सी कहने हैं। स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स याद रखो इस गल नूं, जेकर असी इन्हां चों किसी भी कंबीनेशन नूं यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू पी पी सी तो असी अपने साधन का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो कोई भी साधन साडा वेला नहीं है, क्लीयर आई थिंक। हुण देखिए जेकर असी ये चाहते हैं कि की पी पी सी हमेशा इत्थे रहिंदी है, कि पी पी सी दे विच कदे शिफ्टिंग हो सकती है, पी पी सी अपनी जगह छड़ के अगे जा पिछे हो सकती है, दो ही कारण ने उहदे। जेकर असी अपने रिसोर्सिज दे विच चेंज कर दीए, पॉसीबिलिटीज़ के चेंज नहीं रिसोर्सिज़ के चेंज करिए, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, मान लो दस की थान पर बारह या पंद्रह या भी यूनिट्स होंदियां साढ़े कोल,
तो पॉसीबिलिटी सी उस सिचुएशन में असं कहने इनक्रीज इन रिसोर्स जेकर असं अपने साधनों को वधा देने तो पी पी सी शिफ्ट कर सकती है इस पोजिशन के पी पी सी मे भी हो सकती है इतों शिफ्ट करके इस रूप च आ जाए जो पी पी सी इतने तो इस साइड के ध्यान देखो रैड पेन मैं शो कर रहा पी पी सी इतने तो इतने शिफ्ट सिर्फ उदी होएगी जेकर इनक्रीज इन रिसोर्स होएगी साढ़े को उत्पादन के साधनों वाधा होएगा इनकेस ऑफ पी पी सी शिफ्टिंग ऑफ पी पी सी वी कैन से दैट शिफ्टिंग ऑफ पी पी सी कैन बी पॉसीबल इफ वी हैव सम चेंजिज इन द रिसोर्स फर्स्ट केस इज इनक्रीज इन रिसोर्स जेकर साढ़े साधनों वाधा होंगे साढ़े को उत्पादन के साधन वजन है लैंड लेबर कैपीटल वट एवर असी 10 की गल की मान लो वध के 12 हो गए 15 हो गए तो पी पी सी नैचुरली किस साइड से शिफ्ट करेगी राइट साइड से अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी तो उपर न चलेगी ये वाली पी पी सी। दूसरा केस ये भी हो सकता है साढ़े को साधन घट जन उस केस में शिफ्टिंग केस असं डिक्रीज इन रिसोर्स कहने मान लो 10 की जगह पर साढ़े को उत्पादन के साधन घट के 8 रह गए फॉर एग्जाम्पल साढ़े को जी पहली पी पी सी वो इतने तो लेके इतने तक सी इस तरह की पोजिशन से जेकर उत्पादन के साधन घटे तो नैचुरली पी पी सी की शिफ्टिंग बैकवर्ड होएगी पिछे नू आ जाएगी तो पी पी सी का रूप इस रूप हो सकता है इस तरह की हालत बन जाएगी। जी पी पी सी का ए वाली फॉरमेट है ये भी शिफ्टिंग हो रही है दोनों च देखो एक च पी पी सी अपवर्ड शिफ्ट हो रही है एक च बैकवर्ड शिफ्ट हो रही है इतने फॉरवर्ड अगे नू वध रही है इतने बैकवर्ड आ गई ये क्यों हुई बिकॉज डिक्रीज इन रिसोर्स यस इतने नीचे नू बैकवर्ड बैक स्टैप हो गई क्योंकि साधन घट गए साढ़े को उत्पादन के इनू असी शिफ्टिंग ऑफ पी पी सी कहने हैं। क्लीयर ए सी चेंज ड्यू टू रिसोर्स। डियर स्टूडेंट्स कई बार ये भी होंगे कि एक कॉन्सैप्ट रिलेटड है पी पी सी के केस के कि असी साधना की कदे ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मान लो मैं गल की असी एग्जाम्पल के ओवर यूटिलाइजेशन अंडर यूटिलाइजेशन की होंगी इन समझने असं क्या कि 10 साढ़े को उत्पादन के साधन ने लैंड लेबर कैपीटल एंड एंटरप्रेन्योर मान लो 10 ने तो साड़ी पी पी सी ए वाली है जो असी पहले एग्जाम्पल्स कर चुके हैं आई थिंक दीज आर मान लो इतने साढ़े को तीन ऑप्शनस बन चुकिया ने एक साढ़े को ऑप्शन ए है ए वाली पॉसीबिलिटी एक संभावना बी सी एक संभावना मान लो सी सी ए डिफरेंट टाइप दी पॉसीबिलिटीज़ ने पी ते क्यू दिया प्रोडक्शन नू करन दिया पी दा जेकर असी इन्नी क्यू दी इन्नी प्रोडक्शन कर रहे हैं ए पॉइंट की ए पॉसीबिलिटी तो पी दी प्रोडक्शन इन्नी हो रही है सिमिलरली बी है इसी तरह सी अड अड संभावना ने मान लो साड़ी पॉसीबिलिटी पॉइंट ए दी जगह दे उत्ते इत्थे ए वाला जो येलो शेड दे विच डी हुंदा इहदा उत्पादन मान लो इन्ना हो रहा हुंदा क्यों दा ते इहदा उत्पादन इन्ना हो रहा हुंदा क्योंकि ये ध्यान रखो ए वाला पॉइंट पी पी सी दे उपर नहीं हैगा इस कर्व दे उत्ते इहदा मतलब साफ है इस केस नू असीं कहिंदे आ कि असीं अपने रिसोर उत्पादन घट गया इहो जिहा कंबीनेशन बनिया डी प्रोडक्शन दोनों का इस तरह का कंबीनेशन बना लिया से जिथे प्रोडक्शन घट गई तो इस केस में असं कहने अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जो असी साधना की अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे उन्होंने घट वरतों कर रहे हैं। ओवर यूटिलाइजेशन की होंगी है साधना की मिस यूटिलाइजेशन ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है बहुत ज़्यादा वह की होंगी है मान लो पॉइंट जदों भी ध्यान रखो जिहड़ियां ए पॉसिबिलिटी कर्व्स ने डी होवे पॉइंट संभावनावां दे पॉइंट डी हो गया ई हो गया या एफ जेकर असी तीनों पॉइंट्स की गल करिए तीनों के तीनों ओ संभावनावां ने क्योंकि पी पी सी दे बैकवर्ड जाके पिछे लैफ्ट हैंड साइड दे उत्ते ने ये सारे दे सारे केसिज ऑफ पॉसीबिलिटीज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स दे ने मान लो ये पॉइंट एफ ना हो के ये जी हुंदा एक पॉसीबिलिटी मान लो ए हुंदी इन्नियां वस्तुआं असी क्यू दियाँ प्रोड्यूस करते ते इन्नियां प्रोड्यूस करते पी दियाँ क्योंकि पी पी सी के उपर नहीं आ रहा साढ़े को साधन तो है नहीं असी ओवर यूटिलाइज कर रहे सी मशीनों का ओवर यूज हो रहा सी लेबर का ओवर यूज हो रहा सी तां प्रोडक्शन सानू लग रहा है कि वधी बट दिस इज़ द केस ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन बिकॉज दिस पॉसीबिलिटी इज़ नॉट कमिंग ऑन द पी पी सी जी प्रोडक्शन पॉसीबिलिटी कव है वो उपर नहीं आ रही इनू असी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स कहने हैं। क्लीयर सो स्टूडेंट्स
आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर. वी शुड क्वाइट क्लियर अबाउट नो कि पीपीसी का मतलब क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. दो मान लो अभी दो की गल कर रहे हैं, कोई दो उत्पादन के साधन ने, एक पी है एक प्रोडक्शन का उत्पादन का साधन, सॉरी साधन नहीं वस्तुआं जी असं पैदा कर रहे हैं, एक पी वस्तु पैदा करनी, एक क्यू, ए पी है तो ए वाली साढ़े को क्यू है. तो साढ़े को उत्पादन के साधन में अपने एजम्पशन की दस सी, सारे साधनों लगा के की संभावना हो सकदिया ने, क्यू का उत्पादन किन्ना किया जाए, ए पॉसिबिलिटी सी, बी पॉसिबिलिटी पी क्यू का किन्ना किया जाए, पी का किन्ना, सी डी ई ते एफ, ये सारिया संभावनावां नूं मिलाउण वाली जिहड़ी कर्व है उहनूं शो करदी है, उहनूं पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहिंदे आ, भाव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सो स्टूडेंट्स आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लीयर. पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र की है. असल जो उत्पादन संभावना वक्र का असीं जाणदे आ कि ग्राफ दे विच दिखाउणा, जेकर सानूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लग जाए तो कर्व तो नाल जुड़ी जाना, क्योंकि उन्हें ग्राफ दे विच दिखाना उस सिचुएशन. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज की है कि साढ़े कोल किसी अर्थव्यवस्था दे विच एक रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं, उत्पादन के साधन सीमित ने, उन्हां साधनों का बेस्ट यूटिलाइजेशन की हो सकता है कि उन्होंने मान लो अर्थव्यवस्था च दो ही वस्तुआं पैदा हो रही ने, जिवें असीं अज दी वीडियो च कीता वह वस्तुआं पी ते क्यू ने, उन्हां चों कि वस्तु किन्नी पैदा की जाए, और डिफरेंट टाइप दी पॉसिबिलिटीज़ नूं जिहड़ी शो करन वाली कर्व है, ताकि साढ़े सारे रिसोर्सिज बेस्ट यूटिलाइज होन, फुली यूटिलाइज होन, एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सकन, उत्पादन दे वो चारों साधन जिन्हां दी मैं गल कर रहा सी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उन्हां साधनां दा जेकर बेस्ट यूटिलाइजेशन करदे होए दो वक्ख वक्ख टाइप दी वस्तुआं किसी अर्थव्यवस्था दे विच पैदा होंदियां ने, उस टाइम उन्हां वस्तुआं दी किन्नी पैदावार कीती जावे, उहदियां वक्ख वक्ख संभावनावां की ने, उन्हां संभावनावां नूं जेकर कर्व दे विच असीं शो करदे आं तां उस कर्व नूं असीं की कहिंदे आं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. फिर असीं गल कीती प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दे विच कि प्रोडक्शन कर्व है जिहड़ी शिफ्ट कर सकदी है फॉरवर्ड जां बैकवर्ड, ये उदों ही हो सकता है जेकर साधन फॉरवर्ड उदों करेगी जेकर साधन साढ़े कोल इनक्रीज होंदे ने, बैकवर्ड उदों कर जांदी है जदों साधनां दे विच कमी आ जांदी है, उत्पादन दे साधनां दी मैं गल कर रहे. फिर असीं गल कीती अंडर यूटिलाइजेशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सिज दी, साधन उन्ने ही ने फिर भी असीं कोशिश करदे हां कि उत्पादन वधा दईए या उत्पादन घटिया रहि जाए, ये सारिया असी पॉसिबिलिटीज़ की गल अज इस साढ़े कॉन्सैप्ट की. आई थिंक द कॉन्सैप्ट इज़ क्लीयर. बहुत जल्द मैं थोड़े नाल अपने इस चैनल एक नव वीडियो इकोनॉमिक्स के कॉन्टेंट नाल संबंधित लेके आने वाला है, तद तक इंतजार करो. थैंक यू वेरी मच.